साइबर ठगी से जुड़े एक मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच की 6 सदस्यों की टीम भागलपुर पहुंची और भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के चकदरिया गरहोतिया गांव से आरोपी मोहम्मद तौकीर को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने गरहोतिया गांव में आरोपी के आधार सेंटर पर छापेमारी की, जहां से आधार बनाने के उपकरण, लैपटॉप मशीन आदि को बरामद किया गया। बताते चले, मोहम्मद तौकीर आधार बनाकर दिल्ली भेजता था। कहीं न कहीं यह मामला हवाला कांड से जुड़ा हो सकता है। जब आरोपी को लेकर दिल्ली पुलिस उसके गांव पहुंची तो लोगों ने टीम का विरोध शुरू कर दिया। तभी मौके पर मौजूद लोदीपुर पुलिस ने स्थानीय लोगों को शांत कराया। बहरहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच की डीएसपी शंकर राउत आरोपी से लगातार पूछताछ करने के बाद आरोपी को भागलपुर व्यवहार न्यायालय में पेश किया गया और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड का परमिशन मिलने के बाद आरोपी को दिल्ली पुलिस अपने साथ लेकर दिल्ली चली गई। इसके बाद 36 घंटे के बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी को पेश किया जाएगा। भागलपुर में एक ऐसा मोहल्ला है जहां चोरों के आतंक से मोहल्लेवासी परेशान हो गए हैं। मामला भागलपुर जिले के बबरगंज थाना व लोदीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां दोनों थाना क्षेत्र के बीच वारसलीगंज मोहल्ले में लगभग एक साल से चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुर्गा पूजा के समीप 8 से 10 की संख्या में चोर मोहल्ले में लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। चोरों के पास कई तरह के हथियार होने के कारण मोहल्ले वाले चोरों को पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। थाना को सूचना देने पर थानादार द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती। थक हार कर मोहल्लेवासी खुद हाथ में डंडा लेकर यात्री गश्ती में तैनात रहते हैं और अपने घर परिवार की सुरक्षा खुद कर रहे हैं। मेरे मोहल्ले में घटना हुआ कि मेरे दरवाजे के पास में साइकिल लगा था, मेरा बेटा घर गया खाना आने के लिए और तुरंत मेरा नया साइकिल 8,000 को उठा लिया। एक बार में मेरे घर में 3 बार चोरी हुआ। एकदम सारी सामान लेके चला जाता है, केयर नहीं आता कि कहाँ का आदमी है। बक्सा ले जाके बाड़ी में फेंक दिया, कागज पत्र छिड़िया दिया, मेरा सारी सामान चोरा के चला गया। कितना दिन से सब हो रहा है? ये तो हो रहा है कम से साल भर से बेसी हो गया, इधर बेसी हो रहा है। अच्छा। ये कार्तिक ये झुका है सर, ये काली पूजा इधर अंधिया हो रहा है। एक घर में 2-3 बार चोरी होता है। वो टोल हमारी एक घर में 3 बार लिया, एक रात में 3 आदमी का सामान लिया, पी लिया, एक टोटो ले गया। पुलिस नहीं तो पुलिस को बोले नोट तक बैठा जो नानी या फल पकड़िया तो पुलिस को गाड़ी दौड़े। ऐसा पेट्रोलिंग में नहीं आवे छे, ना एको बार नहीं आवे। एकरा लगे तो सनी की करला छ लगातार जे चोरी होल छोकरा में कुछ कहि रहल छ तो सनी हम जे आवे की करो कहियो हम एक करलो हम की जाने छे। हम भगना छ एक ठो भगना के लिए तोरो भी तलाक कटिंग लो भगना रो आब तो तैयार हो सजो हमरा नहीं करबो। मेरे आंगन में गेट है, गेट से इतवार ऊपर का ताला टूट गया। अच्छा। हम लोग जागे, मेरा पूरा सामान ले लिया घर से, जूता चप्पल पैसा टेबुल सब कुछ ले लिया, चाबी ऑफिस का चाबी घर का चाबी बाइक का चाबी। नहीं कैसा पकड़ेंगे हम लोग, वो सब ज्यादा आदमी से रहता है, सामान से रहता है, हम लोग जग रहे हैं अभी तो सोया नहीं है। से एक आदमी पार किया तो मतलब जो चोर लोग रहता है हथियार लेके रहता है, हथियार रहता है मुँह में बांध के रहता है। अरे वो लोग कभी 8 आता है, कभी 10, कभी 4, कभी 5, कौन गिनता है बाहर में। सामान से रहता है, सब आदमी डर जाता है। आप लोग डरे सहमे पुलिस से आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग का सुरक्षा करे, निगरानी करे, चोर नहीं आवे। और क्या रात ये कब से हो रहा है आपके मोहल्ले में? अरे साल भर से हो रहा सर, इधर मेरे यहाँ सब बेकिया होता है गाँव में लगातार। हाँ लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है। ये चोरी की घटना पिछले दुर्गा पूजा के पहले से हो रही है हमारे मोहल्ले में और प्रशासन को भी खबर दी जाती है, प्रशासन कभी देखने उलकने तक नहीं आते हैं। हम लोग जब से चोरी की घटना हो रही है 10-20 लड़का मिल के पूरे मोहल्ले में घूम रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। चोर लोग हथियार के साथ 15 से 20 की संख्या में आते हैं, बड़ा बड़ा हथियार रहता है उनके पास, राइफल रहता है, चाकू रहता है, हसुआ रहता है, जिससे डर के मारे कोई कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि हथियार के सामने हम लोग बेबस हो जाते हैं और सभी लोग डरे हुए हैं, पूरे ग्रामीण डरे हुए हैं। किसी को किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो शिक्षा के कारण वे लोग डर से थाना नहीं जाते हैं, क्योंकि थाना वाले उनके सुनते नहीं है, झाड़ के भगा देते हैं, हमारे पास आते हैं। मैं सोशल मीडिया के द्वारा और समाचार पत्रों के द्वारा प्रकाशित भी करवाता हूं, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं कुछ नहीं सुनाई दे रहा है उन लोगों को। और लगातार घटना हो रही है, चोर आ रहे हैं, लोग देखते हैं उनको, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता है। आप लोग अपने स्तर से आप क्या कर रहे हैं? हम लोग जाग जाग के रास्ते गश्ती अपने सामान की सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं, पुलिस के भरोसे अब नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कुछ सुनेगा ही नहीं तो हम लोग क्यों रहे उनके भरोसे। कितने घरों में चोरी हो चुकी है? अभी तक इधर 4 से 5 घरों में चोरी हो चुकी है और रोज ये घटना जारी है। चोर आते हैं, ढकढकाते हैं,
केवड़ा धड़कते हैं, नहीं सुनते हैं, पत्थर मारता है, देख लेता है घर से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है तो वो सेंध मार के घर में घुसते हैं, पाछे से घुसते हैं, दरवाजा का ताला तोड़ के घुसते हैं। मेरे घर में स्वयं चोरी हुआ है, हमारे जूता चप्पल बहुत सारे सामान गायब हो चुके हैं, परंतु अभी तक कुछ कार्रवाई ही नहीं हुई। मैंने गश्ती के लिए प्रशासन को भी अप्रोच किया, सोशल मीडिया से अप्रोच किया, यदि वो गश्ती होती तो शायद विनय कुमार के यहाँ से जो बाइक चोरी हुई और टोटो की चोरी हो गई, तीन घरों में लगातार चोरी हो गई एक ही दिन में, शायद वो नहीं होती। ये पूरी पूरी प्रशासन की लापरवाही है और इससे आम जनता त्रस्त है, प्रशासन मस्त है। धन्यवाद। क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन? मांग यही है, प्रशासन रात्रि गश्ती करे, चोरों को पकड़े, हम लोग आराम से निश्चिंत से रहे। नाम बताइए। मेरा नाम विद्यानंद हुआ, मैं सोशल वर्कर एवं अधिवक्ता सिविल कोर्ट भागलपुर से। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में 10वां रंग महोत्सव के अंतिम दिन रंगराम जन सांस्कृतिक रंगमंच द्वारा सांस्कृतिक शोभा यात्रा रंग जुलूस निकाला गया, जहां सांस्कृतिक शोभा यात्रा में अखिल भारतीय बहुभाषीय लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य व रंग जुलूस शोभा यात्रा निकाल कर एकता में अनेकता का संदेश दिया गया। वहीं भागलपुर रंग महोत्सव के कार्यक्रम निदेशक कपिल देव रंग ने कहा कि भागलपुर रंग महोत्सव का अंतिम दिन है, जहां विभिन्न प्रदेशों से आए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकाली गई। इस सांस्कृतिक शोभा यात्रा के द्वारा शहर के लोगों को संदेश दिया गया कि भारत विविधताओं का देश है, कई भाषा भाषी के बावजूद हम एक हैं। एकता के संदेश के साथ साथ अपना सांस्कृतिक पहचान है, किसी भी देश की पहचान कला, संस्कृति एवं सभ्यता से होती है, जबकि भागलपुर रंग महोत्सव की रंग जुलूस शोभा यात्रा से भागलपुर शहरवासियों को अपना सांस्कृतिक और परंपरा बनाए रखने का संदेश देती है। वहीं भागलपुर नगर निगम के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल एवं पूर्व मेयर वीना यादव ने रंग महोत्सव रंग जुलूस शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने भागलपुर शहरवासियों को बधाई एवं साधुवाद दिया। हम लोग बात करते हैं अनेकता में एकता की, तो आज जो ये रंग महोत्सव का रैली निकला, ये दिख रहा था कि कैसे अनेकता में एकता होती है। इसका परिचय हमारे शहर भागलपुर शहर से और पूरे हिंदुस्तान में ये जाएगा मैसेज, और इतनी अच्छी मैसेज कि कैसे एकता बना करके लोग काम करते हैं, और इसी संदेश को पूरे हिंदुस्तान ने में दिया है भागलपुर ने, और विश्व को भी आमंत्रित किया है कि आप हमारे हिंदुस्तान आए, हमारे भागलपुर शहर आए, यहाँ की कला को, यहाँ की संस्कृति को देखें और यहाँ से कुछ ले के जाएं। ये झांकी का संदेश ईश्वर ने सबसे पहले तो मानव को विविध रंगों में सजाया है। भागलपुर का ये रंग महोत्सव ये बहुत ही ऐतिहासिक रंग महोत्सव होता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कला केंद्र में ये रंग महोत्सव का आयोजन किया गया। 10 राज्य से कलाकार आए और वो कलाकार अपने नाट्य प्रस्तुति की तरफ से हमारे साथ में जो अच्छाई है, जो बुराई है, जो नैतिक है, अनैतिक है, हर चीज़ को परोसने का काम करता किया, और वो अनेकता में एकता, ये हम लोगों को समझने की बात होती है, और शांति सद्भाव और सौहार्द का वातावरण लिए हुए आज ये लोग जा रहे हैं। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का एक अलग ही महत्व है, चाहे दीपावली हो या काली पूजा, दुर्गा पूजा हो या सरस्वती पूजा या फिर विश्वकर्मा पूजा, किसी भी आयोजन में मूर्ति पूजा काफी मायने रखता है और हर मंदिरों में इसकी स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठा कर नियम निष्ठा से पूजा की जाती है। वहीं मूर्ति बनाने वाले कुम्हार पंडित की स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है। 40 वर्षों से मूर्ति बनाने का काम कर रहे अम्बे के रंजीत मंडल ने बताया कि हम लोगों के पूर्वजों से चली आ रही यह मूर्ति बनाने का व्यवसाय अब
दयनीय स्थिति में जा रहा है। मूर्ति तो बनते जा रहा है लेकिन हम लोगों को उचित कीमत नहीं मिल पा रहा। पुआल, बांस, सुतली सबों का दाम हद से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हम लोगों को पर्याप्त मेहनताना नहीं मिल पा रहा जिसके चलते हम लोगों की माली हालत काफी खराब होती चली जा रही है। सभी चीजों का दाम बढ़ गया है, पहले इतनी परेशानी नहीं होती थी, अब गंगा की मिट्टी भी काफी महंगे दामों में मिल रही है जिसके चलते हम लोग काफी परेशान हैं और पारिवारिक स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है। हम मूर्तिकारों पर सरकार भी विशेष पहल नहीं कर रही, अगर सरकार ध्यान दे तो हम लोगों की माली हालत सुधर सकती है। उन्होंने बताया कि हम लोगों के पिताजी 1954 से यह काम लगातार करते आ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाने का जिम्मा मैंने लिया है लेकिन अब संभव नहीं हो पा रहा है, हम लोग कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। परेशानी मूर्ति के साथ में हर चीज का दाम बढ़ गया, मूर्ति वाले का दाम नहीं बढ़ा। मूर्ति से संबंधित पहले क्या था कि मिट्टी भी हम लोग को मिल जाता था इधर उधर से, आप तो मिट्टी भी खरीद के मंगाना पड़ता है, सब मिट्टी गंगा जी का मिट्टी 2000-4000 में भी अब नहीं मिलता है, 5000-6000 रुपया टेलर आपका ये जो है खेत वाला मिट्टी 2000 रुपया टेलर, वो भी बढ़िया मिट्टी नहीं मिलता है। सब नेवारी का दाम बढ़ गया, तख्ता का दाम बढ़ गया, सुतली का दाम बढ़ गया, हर चीज़ पर मतलब जो है ना रंग का दाम बढ़ गया, बार्निश वगैरह जो हम लोग 25 रुपया में खरीदते थे उसका 200 रुपया कीमत हो गया, 1000-1000 रुपया किलो का रंग है। और मूर्ति जो है ना बढ़िया मूर्तिकार के लिए जो है ना अब कुछ नहीं रखा है, अगर यदि मान लीजिए मूर्ति का पैसा बढ़वाने के लिए बोलेंगे तो नहीं बढ़ेगा, ऐसे है वैसे है, बहुत तरह की बात है। कमा होता है? हाँ कमा होता है ना, क्या होता है ना, क्या होगा मतलब जो है ना यही सब पेट भर, बस पेट भर गया हम लोग का यही बहुत है। जब तक मूर्ति का काम चला तब तक पैसा देख लीजिए, मूर्ति का काम खत्म हुआ पैसा खत्म, कोई रोजगार नहीं। कब से कर रहे हैं ये धंधा? हम कर रहे हैं 12 साल की उम्र से, आज हम 40 साल से कर रहे हैं धंधा। हाँ पिताजी करते थे 1954 से, उसी के अथी के गरीबी के कारण जो है ना हम थोड़ा सा मूर्ति का काम उम पकड़े, हम सोचे कि बढ़िया रहेगा लेकिन इसमें जो है ना और दिन प्रतिदिन जो है ना काफ़ी परेशानी खूब है। रात दिन खटेंगे तब 500 रुपया कमाएंगे, हम लोग से बढ़िया ठेला वाला ही सब जो है ना कि अभी जरा सा स्टेशन अगर 4 बोरा मिट्टी लाने के लिए भेजे पहुंचाने के लिए बोलेंगे तो बोलेगा 400-500 लें। ऐसा दिक्कत कैसे आ रहा है? दिक्कत सामान का दाम बढ़ते गया, पार्टी अब जो है ना वो नहीं खोजता है कि हमको मूर्ति बढ़िया होना चाहिए, मतलब मूर्ति के लिए कोई भी अगर यदि 2000 रुपया कमों में कोई कैसीओ मूर्ति बन जाता है ना। पहले मिट्टी तो बगल उगल से गंगा जी से आपका पोखर उखर से मिल जाता था मिट्टी, अब तो कहीं नहीं, अब तो जमीन बिक्री होता है तो कोई कोड़ने थोड़ी देगा। काफी समस्या। हाँ समस्या मूर्ति के लाइन में बहुत समस्या है। रंजीत पंडित, अम्बई, भागलपुर। भागलपुर के सुल्तानगंज में जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सुल्तानगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा राय, थाना अध्यक्ष प्रंजन के नेतृत्व में सुल्तानगंज बाजार में दीपावली त्यौहार को लेकर विस्फोटक पटाखा सामान को लेकर विभिन्न दुकानों में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट प्रखंड विकास पदाधिकारी के पदभार पर निशा राय, महिला थाना अध्यक्ष किरण सोनी, SI संगम कुमारी, नीरज कुमार ने शहर के विभिन्न पटाखा दुकानों में छापेमारी करते हुए विस्फोटक पटाखा बरामद किया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी के पदभार पर मजिस्ट्रेट साराय ने बताया कि सुल्तानगंज चौक बाजार में पटाखा दुकानदारों के यहाँ छापेमारी की गई और विस्फोटक पटाखा को बरामद किया गया। ऐसे विस्फोटक पटाखा सामान बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बिना लाइसेंस के विस्फोट पटाखा सामान बेचने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छापे में ये जो भी विस्फोटक पदार्थ हमें मिला उसे सीज किया गया है, यहाँ पे रखा गया है और उसे चेतावनी दी गई है कि अब से ऐसा पदार्थ जो भी विस्फोटक पदार्थ है वो ना रखे ना बेचे। कितना पकड़ा है अभी? कितना पकड़ा है वो लोग देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। कहाँ कहाँ छापेमारी किया गया, कितने दुकानों में? हम लोगों ने 4 दुकानों में जाके छापेमारी की और जिसमें कि एक में मिला, बाकी 3 में तो नहीं मिला हम लोगों ने। काफी जिनका मिला, ऑनर का क्या नाम है? अरुण नाम है। इस तरह का अगर कोई पदार्थ और भी दुकानदार अगर रखते हैं इसके लिए क्या हिदायत दिए? उनके लिए यही हिदायत है कि अगर है तो उसे डिस्पोज कर दें, ना रखें, उसको बेचना बिल्कुल भी इलीगल है। इलीगल और लाइसेंस नहीं है तो बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि अगर लाइसेंस है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं रखना है, ना रखना है ना बेचना है।
भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के रेफरल अस्पताल के मुख्य गेट के समीप NH-80 के किनारे विगत 3 दिन पूर्व महादलित परिवार की महिला बिजली देवी के यहाँ पुलिस के द्वारा छापेमारी करने पर पुलिस पर ग्रामीणों के द्वारा हमला होने पर पुलिस प्रशासन द्वारा कई ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज की गई एवं आरोपित शराब कारोबारी महिलाओं की पिटाई भी की गई थी, जिसके बाद जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास को सूचना मिली। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित बिजली देवी, महादलित परिवार एवं ग्रामीणों से मुलाकात करते हुए घटना की जानकारी ली। इस दौरान जिला अध्यक्ष महेश दास ने बताया कि पुलिस द्वारा महादलित बिजली देवी की बेरहमी से पिटाई नहीं करनी चाहिए, अगर ऐसी बात थी तो महिला पुलिस बल को साथ में रखकर महादलित महिला को पकड़ना चाहिए था। पुलिस ने बेगुनाह ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज की है, साथ ही शराब कारोबारी से अवैध 50,000 रुपए की वसूली की मांग की है। इस बात की जानकारी वरीय पदाधिकारी DSP, SSP, DGP, मुख्यमंत्री तक लिखित आवेदन देकर की जाएगी और कार्रवाई की मांग करेंगे। देखिए, पूरे ग्रामीणों से हमने पूछा तो इन लोगों ने बताया कि ऐसा कोई भी आपत्तिजनक चीज उनके घर से बरामद नहीं हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन इन लोगों के साथ गलत रवैया, गलत तरीके से अवैध वसूली करने उनके घर आते हैं और कई लोगों से, जैसे कि ग्रामीणों ने बताया कि कई लोगों से पुलिस वाले अवैध वसूली के मामले को लेके आते हैं कि हमको पैसा दो तो चाहे तुम घर में दारू बनाओ या कुछ भी। तो ये तो पुलिस प्रशासन का गलत रवैया है, इसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है। सभी लोग कानून के दायरे में आते हैं, ये संविधान के दायरे में आते हैं, इनसे ऊपर उठ के कोई चाहेगा कि हम कुछ कर लेंगे तो ये असंभव है। और रही बात कि यहाँ अगर इन लोगों ने गलत किया है तो शायद यहाँ सीसी कैमरा भी लगा हुआ है, उसको खंगाल कर देख लिया जाए। हम पुलिस प्रशासन से, DSP साहब से, SP साहब से, DGP साहब से बात करेंगे। हमने फोन लगाया, इन लोगों ने रिसीव नहीं किया, तो कल हम इसको पुनः फिर से फोन करके और इस केस के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर इस केस का इन्वेस्टिगेशन किस ढंग से किया जा रहा है और कहां तक पहुंचा।